सौरभ वक्ता ने हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी मौजूद है। सौरभ, अब देखिए, इस पर सीधे तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और ये पूछा जा रहा है कि आखिरकार कैसे 40 दिन वो रेकी करते हैं, वाई कैटेगरी की सुरक्षा होती है, लेकिन ना वहां स्ट्रीट लाइट चल रही थी उस वक्त, ना सीसीटीवी काम कर रहे थे, ना वहां जो एक कांस्टेबल होना चाहिए वो था। तो ऐसे में कई तरीके के सवाल अब महाराष्ट्र सरकार से और वहां पर प्रशासन से पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि दो चीज इसमें समझना बहुत ज्यादा अहम हो जाता है कि ये जो दो आरोपी है जो पकड़े गए हैं उनसे ये खुलासा हुआ है कि इन्होंने बहुत अच्छे से रैकी की थी। रैकी कैसी करते हैं, देखिए, एक आधार कार्ड लेके आते हैं, नकली आधार कार्ड लेके आते हैं, मुंबई के सबर्बन इलाके में, कुर्ला इलाके में वो रहते हैं, 20 से 25 दिन तक वो रहते हैं, प्रॉपर फंडिंग की जाती है, बाहर से उनको पैसे आते हैं। और दूसरे सबसे अहम बात अगर जो अर्पिता मैं आपको बता दूं कि कुरियर के थ्रू इनको पिस्तौल मिल मुहैया कराई गई है। जो इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त सामने आया है कि कुरियर के थ्रू इनको पिस्तौल दी गई थी और 28 लाइव बुलेट्स इनके पास से मिली थी, यानी कि आप समझिए कि कितनी बड़ी हत्या की साजिश इसके अंदर थी। यानी कि प्रॉपर प्लानिंग पूरे एक महीने से चल रही थी और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारना है, इसका जो मास्टरमाइंड भार था वो यहाँ पर आके उनसे देखिए एक बार फिर से यहाँ पर थोड़ी हलचल है। एक बार मैं फिर से यहाँ की तस्वीर अगर जो दिखा दूं कि लगातार प्रणीति शिंदे इस वक्त यहाँ पर आई है, धीरज देशमुख यहाँ पर आए हैं, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस लगातार आ रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है और इनका यहाँ पर आना इसे भी समझा सकता है क्योंकि 48 इयर्स का इनका पॉलिटिकल करियर है। जो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि 48 इयर्स का इनका पॉलिटिकल करियर रहा है, मुंबई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे, 3 बार एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। अब देखिए ये जो गाड़ियां है, बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ पर अंदर जा रही है, प्रणीत शिंदे, धीरज देशमुख, सुशील कुमार शिंदे, जो तमाम बड़े बड़े जो नेता है वो यहाँ पर आ रहे हैं, ये कांग्रेस के बड़े बड़े नेता है, ऑपोजिशन के जो लीडर्स है वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो एक अंतिम श्रद्धांजलि बाबा सिद्दीकी को जरूर देना चाहेंगे। जो उनके बेटे है जीशान सिद्दीकी, वो भी एमएलए है बैंड्रा ईस्ट से, वो चुने हुए हैं, तो लगातार जो लोगों का ताता है वो, और यहां पर जब भीड़ देखिए, ये जो तमाम भीड़ है वो दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन ऊपर इतनी ज्यादा भीड़ है और वहां पर लगातार वीवीआईपी लोग भी आते जा रहे हैं, तो इन जब वहां से लोग बाहर निकले तब ये लोग अंदर जाएंगे। तो कुछ ही समय बाकी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1.5 घंटे का और समय है, तो 2.5 घंटे के अंदर अभी लगातार जो सेलिब्रिटीज है, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पर आ रहे हैं और लोग भी जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनके करीबी है, वो एक बार अंतिम दर्शन बाबा सिद्दीकी के जरूर करना चाहेंगे, जिसके बाद जो अंतिम विधि की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी। ठीक है, तो फिलहाल आज ही सुपुर्द खाक भी किया जाएगा, तमाम जो नेता हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, जो बॉलीवुड से जुड़े लोग हैं वो भी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन जांच भी चल रही है, 15 टीमें गठित की गई हैं, तीसरा आरोपी क्योंकि फरार है उसको पकड़ने के लिए। बाबा सिद्दीकी सत्ता पक्ष के नेता थे, एनसीपी महाराष्ट्र की सत्ता में भागीदारी है और सत्ताधारी दल के नेता की हत्या हो जाए तो प्रतिपक्ष जो है वो तो सवाल उठाएगा ही, विपक्ष के नेता क्या कह रहे हैं वो सुनिए। कल जो हत्या हुई है बाबा सिद्दीकी, जो महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री है, बहुत साल विधायक रहे, आज भी उनका बेटा विधायक है, शायद हमारे पार्टी में नहीं हो लेकिन हमारे साथी रहे, अच्छे आदमी थे, तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है, उसका मतलब क्या है? हत्या के पीछे कारण कुछ भी हो लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्यूर है, मुख्यमंत्री का फेल्यूर है। आपने जिस तरह से अपने पुलिस दल का गुनेगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए, हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। बाबा सिद्दीकी तो हमारे ही जिला गोपालगंज के रहने वाले, बिहार के मूलतः निवासी रहे और कुछ दिनों पहले ही जो है जब बॉम्बे हम गए थे तो उनसे भी मुलाकात हुई थी, उनके पुत्र से भी मुलाकात हुई थी। अब ये जानकर के बड़ा दुखद है लेकिन आश्चर्य करने वाली बात है, जो बॉम्बे इतना बड़ा शहर, खास तौर पे जो बैंड्रा जो लोकेशन है, जो कॉलोनी है, अगर वहाँ ऐसी घटना हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। हमने तो ओपनली बोला आपको, लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर ठीक नहीं है और वो लोग
उनको मेरे मुझे जान को खतरा है बोल के बोलने के बावजूद भी अगर पुलिस उसका रक्षण नहीं करता है तो ये बहुत बड़ा एक लैप्स है एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से। वो ऐसे बम्बई जैसे एरिया में तो हमेशा पुलिस सतर्क रहना चाहिए और वहाँ ये लॉ एंड ऑर्डर की फेल्यूअर है, इंटेलिजेंस की फेल्यूअर है और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का भी यानी आईबी का भी इसमें फेल्यूरिटी है। सो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसी जो घटनाएं हो रही वो भी दिन दहाड़े और सरकार अगर उसकी ख्याल नहीं करती है तो मैं समझता हूँ वो उसको एक वो निग्लेक्ट कर रहे हैं ऐसा मैं समझता हूँ। मुंबई के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, उन्हीं के नेता की हत्या गैंगस्टर्स द्वारा कथित तौर पे की गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्र सरकार के पास कानून व्यवस्था है और दिल्ली में भी बॉम्बे जैसे हालात बनते जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर बड़े बड़े गैंग्स सक्रिय हो गए हैं, बिजनेसमैन से प्रोटेक्शन मनी मांगा जा रहा है। अगर आपको काम धंधा करना है, चाहे आपकी दुकान है, चाहे आप बिल्डर हैं, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आप कार बेचते हैं, आपको अपने ज़िंदगी को बचाने के लिए बड़े बड़े गैंगस्टर्स को प्रोटेक्शन मनी देनी पड़ रही है, नहीं तो गोलीबारी हो रही है, हत्याएं भी हो रही हैं। अभी जी के वन के अंदर हत्या हुई, तो ये बहुत बुरे हाल हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का और राज्य सरकारों का पूरा समय राजनीति करने में जाता है।